हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 28 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम 27 और 28 नवंबर दोनों की न्यूज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहली जो न्यूज आई है वो आई है, एक रिपोर्ट आई है अभी, किसको लेके, हमारे देश में जो भी चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उनको लेके, यानी कि क्राई की रिपोर्ट आई है। क्राई देखो है क्या, वो देखते हैं। क्राई एक एनजीओ है, तो क्राई ने हमारे देश में जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उनको लेके रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में क्या फोकस किया गया है, रिपोर्ट का टाइटल ये रहा है कि हाउ वल्नरेबल आर चिल्ड्रन इन इंडिया टू क्राइम, मतलब हमारे देश में जो बच्चे हैं वो कितने वल्नरेबल हैं क्राइम के अगेंस्ट लेके। देखो ये जो रिपोर्ट है इसमें जो डाटा यूज किया गया है वो यूज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो कि 2016 तक का डाटा अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था। यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हमारे देश में जो क्राइम हो रहे हैं उनका टोटल जो डाटा है या रिपोर्ट है वो 2016-17 की रिपोर्ट अभी कुछ टाइम पहले पब्लिश की थी, और उसी रिपोर्ट को आधार बना के क्राई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है बच्चों के लिए कोई स्पेस के लिए। इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है वो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उनमें टॉप नंबर पर हैं, मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट वो हो रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें कि जो क्राइम कहाँ पे बढ़ रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट, तो वो उस पर आता है नंबर वन में झारखंड। देखो झारखंड में 2016 और 17 के अगर डाटा को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट है बच्चों के अगेंस्ट वो झारखंड में बढ़ी है। और चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो 2016 और 17 को अगर कंपेयर करते हैं तो चाइल्ड लेबर की जो परसेंटेज देखोगे वो 126% से बढ़ी है, मतलब चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें चाइल्ड मैरिज की तो वो भी प्रॉब्लम इंक्रीज होती जा रही है, उसकी रेट है 21.7%। तो देखो ये कुछ डाटा है, इनका आप कहीं आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। दूसरी बात ये कि हमारे देश में जैसे कि क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, बच्चों के अगेंस्ट कम हो रहे हैं वगैरह, तो इस पर कुछ फोकस किया गया है। अब हम क्राई के बारे में जानते हैं। देखो क्राई का मतलब है, फुल फॉर्म यहाँ पे हुआ है चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो यह है क्राई की फुल फॉर्म। क्राई क्या है, क्राई एक इंडिया का ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंडिया का ये क्या है एनजीओ है। इसका फोकस ये रहता है कि जो बच्चों के राइट है उनको रिस्टोर किया जाए या बच्चों को जो प्रॉपर राइट है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन या ये जो एनजीओ है ये 1979 में विपिन कपूर के द्वारा स्टार्ट है, वो क्या गया था, फाउंड है वो क्या गया था। अब देखो रिकमेंडेशन क्या दी गई इस एनजीओ के द्वारा, या इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सजेशन दिया गया है कि हमारे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर जो फंड या जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उनको बढ़ा दिया जाए, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उसको इंक्रीज किया जाए। इसी के साथ फोकस किया जाए कि कैपेसिटी बिल्डअप है वो की जाए ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके। तो ये आप सजेशन के तौर पे यूज कर सकते हो कि अगर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है या चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट को क्या क्या है वो चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया नेशनल मिल्क डे। देखो हर साल हमारे देश में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे है वो मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्शन को लेकर हमारे देश में रिवोल्यूशन हुई थी जिसका नाम था व्हाइट रिवोल्यूशन। वाइल्ड रिवोल्यूशन के जन्मदाता कौन थे, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो होती है 26 नवंबर को। इसीलिए हमारे देश में 2014 में ये डिसाइड किया गया कि भाई हर साल हम, मतलब जो एक तरीके से बोल सकते हो कि नेशनल मिल्क डे है वो 26 नवंबर को मनाएंगे, तो उसी को लेकर कुछ फैक्टर दिए गए हैं। ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन ने जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड मिल्क डे है वो आयोजित करने की बात रखी है 1 जून, मतलब यूएन के द्वारा जो डेट है वो रखी गई है 1 जून, बट हमारे देश में जो डेट है वो है यहाँ पे 26 नवंबर। और ये कब स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी 2014 में जो हमारे देश की इंडियन डेयरी एसोसिएशन है ना उसके द्वारा डिसाइड किया गया कि भाई वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं के हेल्प से हमने हमारे देश में मिल्क रिवोल्यूशन है या व्हाइट रिवोल्यूशन को जन्म दिया है, तो इसीलिए उनको उनकी मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल मिल्क डे को मनाएंगे। अभी देखो इस बार है उन्होंने वर्गीस कुरियन की 90th बर्थ एनिवर्सरी थी तो उसी को सेलिब्रेट है वो यहाँ पे किया गया है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया आर्टिकल में। एक फैक्ट ये दिया गया है कि हमारा देश है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और हमारा देश है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 22% जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% हिस्सा तो अकेला इंडिया वो प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे देश में जो मिल्क कंजप्शन है उसकी भी बात यहाँ पे बड़ी है, मतलब पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन हमारे देश में अगर 2013-14 और 2015-16 को कंपेयर करें तो बड़ा है। 2013-14 में पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन हमारे देश में था 307 ग्राम पर डे, जबकि ये बढ़ के 2015-16 में हो गया 340 ग्राम पर डे।
अब देखो मील का है ना, उसमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए अगर हमारे देश में मिल्क कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम है इनको काउंटर करने में भी हेल्पफुल होगा। आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले जो मिड डे मील स्कीम थी, इसमें भी मिल्क को है वो ऐड किया गया था कि बच्चों को एटलीस्ट एक गिलास मिल्क का वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो इसीलिए डिसाइड किया गया था कि भाई हमारे देश में इतना मिल्क प्रोड्यूस होता है, हम बाहर मिल्क को एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे बच्चों को भी मिल्क है वो प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो हेल्थ संबंधी इश्यूज हैं उनको काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कोल बेड मीथेन के बारे में। देखो कोल बेड मीथेन का क्या है, मतलब देखो जो कोयले की माइंस होती है उसमें क्या होता है, कोयला लेयर में बना होता है। जैसे लेयर बनी होती है, एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी ये, ऐसे लेयर होती है, तो उन लेयर के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होता है और उसी में जो मिथेन होती है उसको कहते हैं कोल बेड मिथेन। मिथेन आपको पता है कि ज्वलनशील गैस है, तो इसको बाहर निकाल के हम काफी मतलब बोल सकते हो कि एक तरीके से यूज है वो करते हैं, तब ये काफी अच्छा सोर्स है वो एनर्जी का। पहली बात तो ये कि कोल बेड मिथेन है वो एक अनकन्वेंशनल फॉर्म है नेचुरल गैस की, मतलब गैर परंपरागत मेथड है नेचुरल गैस का। कहाँ पाया जाता है, कोयले के जो डिपॉजिट होते हैं उनमें जो कोयले की लेयर्स होती हैं इनके बीच में जगह जगह पे कोल बेड मीथेन है वो पाई जाती है। देखो इसको बाहर निकालने की प्रोसीजर है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पहले ड्रिल करनी होती है, फिर जो प्रेशर है उसको मैनेज करना होता है, इसके बाद में कोल बेड मीथेन है वो कोयले से रिलीज होती है और उसको फिर स्टोर है वो किया जाता है। बट ये एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स है, क्योंकि इससे अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन बहुत कम होता है, इसी के साथ ही आज के जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये फ्यूल है तो उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जाती है। मतलब कि कोयले को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस दौरान हमें कोल बेड मीथेन है वो प्रोवाइड होती है। अगर हम बात करें इंडिया की कि भाई इंडिया का क्या पोटेंशियल है कोल बेड मीथेन को लेके, तो देखो इंडिया है उसके पास वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पर लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। मतलब हमारे पास वर्ल्ड में कोयले के रिजर्व काफी अच्छे हैं। इसीलिए हम देखें तो कोल बेड जो मीथेन है वो हमारे देश में क्लीन एनर्जी का एक अल्टरनेटिव फ्यूल है वो साबित हो सकता है। क्योंकि देखो जो यूरेनियम जैसी चीजें हैं वो तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है कि कल अगर हमें बाहर की कोई कंट्री यूरेनियम वगैरह ना दे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोयला तो हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में है, इसका मतलब कोल बेड मीथेन है वो भी काफी अच्छी है, हमारे देश में काफी अच्छे सोर्सेज हैं, तो इसीलिए हम इसको एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं कि हमें बाहर से भी नहीं लेना पड़ेगा और क्लीन है, मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूशन भी कम है वो होगा। कहाँ पाई जाती है हमारे देश में कोल बेड मीथेन की रिजर्व कहाँ पे है, देखो तो जहाँ पे कोयला है वहीं से कोल बेड मीथेन को मतलब एक्सट्रैक्ट है वो किया जा सकता है। तो लगभग हमारे देश में 12 ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोयला है वो होता है इसमें पाया जाता है। मेनली अगर हम बात करें तो जो गोंडवाना का जो सेडिमेंट्स वाला हिस्सा है, यानी कि जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है हमारे देश में, उस वाले हिस्से में काफी बड़ी मात्रा में कोयले के रिजर्व है और वहाँ पे बहुत ही बड़े रिजर्व है कोल बेड मीथेन के भी। इसी के साथ ही दो दामोदर कोल वैली है वो जो सोन वैली वाला एरिया है उसमें भी कोल बेड मीथेन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। अब थोड़ा मैपिंग में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जगह। देखो कोयले के जो सबसे बड़े रिजर्व हैं वो है छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इस वाले बेल्ट में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये रहा, ये है गोंडवाना लैंड, इसमें काफी बड़ी मात्रा में। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत इसमें भी है, और ये सतरा ये महाराष्ट्र के कुछ एरिया में भी जो कोयला है वो बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये जो पेनिनसुला वाला गोंडवाना जो बेसिन है ना, इसमें कोयले के बहुत बड़े रिजर्व है और यहीं पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोल बेड मीथेन के रिजर्व भी हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करके एक क्लीन एनर्जी फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कोल बेड मीथेन है इसमें क्या है, मीथेन है, और आप जानते हो कि मीथेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। मतलब कि ये एक प्रॉब्लम है कि भाई अगर मीथेन बाहर प्रोड्यूस होगी तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है। बाकी देखो काफी सारे फायदे भी हैं, नुकसान की अगर हम बात करें तो ये है कि देखो एक तो कोल बेड मीथेन को निकालना इतना ईजी नहीं है, मतलब कि काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और जो कोयले के एरिया है वहाँ पे पानी की वजह से थोड़ी बहुत कमी मारामारी रहती है, तो उस वाले एरिया में मतलब निकालना थोड़ा इतना इजी रहेगा नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो यूज तो काफी ज्यादा है, यूज तो वो एक क्लीन एनर्जी का काफी अच्छा सोर्सेज है, तो इसलिए इसकी डिमांड है वो काफी कंट्रीज में लगातार बढ़ती भी जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रोहतांग टनल के बारे में। टनल देखो रोहतांग टनल है कहाँ, ये रोहतांग वाले रास्ते में ही है। ये ध्यान रखना वर्ल्ड की 10,000 फीट, यानी कि इतनी ज्यादा हाइट पे इतनी लंबी जो सुरंग है वो है रोहतांग, वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो कि इस 10,000 फीट की हाइट पे बनी हुई है। ये जो टनल है वो क्या करेगी, ये देखो जो टनल है वो लिंकेज प्रोवाइड करवाई जाएगी कहाँ पे, एक तो लाहौल और स्पीति को, और इसी के साथ ही जो लद्दाख है उस वाले हिस्से को। देखो होता क्या है कि सर्दियों में जो नेशनल हाईवे है ना वो क्या है, जाम हो जाता है बर्फ की वजह से,
तो आना जाना एक तरीके से रास्ते क्लोज हो जाते हैं। बट ये जो टनल है वो अंडरग्राउंड बनी हुई है ऑब्वियसली, तो ये क्या करेगी, जो रास्ता जाम है इसका एक अल्टरनेटिव हमें विंटर्स में प्रोवाइड करवाएगी ताकि हम इस रास्ते का यूज वो कर सकते हैं। कहाँ पे है ये ध्यान रखना, ये पीर पंजाल रेंज पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतांग टनल है वो पीर पंजाल रेंज में है और लाहौल स्पीति और लद्दाख वाले रीजन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया है, ये आप मैप में देख सकते हो। देखो नॉर्मली इधर से मनाली साइड से अगर होते हुए रोहतांग की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता फॉलो करना होता है, काफी कॉम्प्लेक्स सा रास्ता होता है और सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है तो ये रास्ता हो जाता है क्लोज, इसलिए फिर इधर से आना जाना हो नहीं पाता। तो ये जो टनल है वो यहाँ बनाई गई है, ये साउथ पोर्टल है इस जगह और ये यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल, तो नॉर्थ और साउथ पोर्टल को डायरेक्टली ये बनाई गई है टनल इस वाले रास्ते में, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा दी जाएगी तो इस रास्ते को बाईपास है सर्दियों में वो कर दिया जाएगा। तो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आसाम रूफ टर्टल के बारे में। देखो आसाम रूफ टर्टल है वो एक स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल है। पहली चीज क्या है, फ्रेश वाटर टर्टल है, पाया कहाँ पे जाता है, ये मेनली पाया जाता है ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर वाले हिस्से में, मतलब आसाम रूफ टर्टल केवल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जो ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर है उन्हीं में नॉर्मली पाया जाता है, काफी छोटा होता है शायद में कुछ ज्यादा बड़ा है वो होता नहीं, इसलिए इसका नाम है स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की तो IUCN में इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, वो साइट्स की इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। इसी के साथ ही इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन है वो दी गई है, मतलब काफी ज्यादा सेंसिटिव इसको रखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बोडोलैंड डिस्प्यूट के बारे में। काफी बार आपने सुना होगा कि बोडोलैंड डिस्प्यूट के बारे में, तो एक बार थोड़ा उसके हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो बोडोलैंड है क्या वो देखते हैं, सबसे पहले तो वर्ड आता है बोडो। देखो बोडो क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है आसाम में, एक बार आपको दिखा दूं थोड़ा ये रहा। आसाम को जो ऊपर वाले चार आपको इससे दिख रहे हैं ना, ये चार जिले, एक ये दूसरा ये तीसरा चौथा, ये चार जिले, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ये ऊपर बॉर्डर वाले हिस्से हैं ये चार जिले, इनमें मेनली जो बोडो कम्युनिटी है वो रहती है और आसाम की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 5 से 6% ये रिप्रेजेंट है वो करती है। तो ये क्या करती है, अलग से कई बार पहले मांग करी थी कि इनके लिए अलग से स्टेट है वो बनाया जाए और अलग से इन्होंने कंट्री की भी काफी सारे इश्यूज है वो उठ रहे थे। जैसे अगर हम बात करें तो चार जिले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा यहाँ पे खोराझर, दूसरा यहाँ पे बकासा और तीसरा यहाँ पे है उडलगुरी, चौथा यहाँ पे चिराग। तो ये चार जिले हैं जहाँ पे बोडो कम्युनिटी है वो रहती है और इस बोडो कम्युनिटी ने एक अपना एरिया बना रखा है, मतलब बोल सकते हो कि ऑटोनोमस स्टेट है, जिसका नाम है बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो बोडो कम्युनिटी है वो इसी वाले एरिया में रहती है, आसाम के चार जिलों को मैंने इसने कवर कर रखा है। देखो 1966-67 में क्या हुआ था, इन्होंने अलग से ही मतलब बोडोलैंड स्टेट की मांग वो कर दी थी कि भाई हमें एक अलग से स्टेट चाहिए हमारा, और वो बात अगर हुई थी वो हुई थी यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम के अंडर, जो प्लेन ट्राइबल काउंसिल थी उसके अंडर, मतलब पॉलिटिकल भाव है वो इसको दिए गए थे, तब इसकी मांग लगातार बढ़ गई थी। इसके बाद में 1987 में क्या हुआ कि जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन थी ना ABSU, उसने अपनी डिवाइड को और ज्यादा बढ़ा दिया और उसने क्या कहा, हमें अलग से स्टेट नहीं, हमें जो आसाम है ना इसी को 50-50 डिवाइड कर दो, मतलब आसाम का आधा हिस्सा है वो बोडोलैंड को दो और आधा हिस्सा है वो आसाम को खुद को दे दो। तो ये मांग और ज्यादा बढ़ती रही, बट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसको काउंटर किया, तो इससे इश्यूज वो लगातार बढ़ रहे थे। तो अभी क्या है कि जो ये चार जिले हैं ना अभी हमने देखे जिनको बोडोलैंड कहते हैं, इनके लिए अलग से मतलब ऑटोनॉमी इनको प्रोवाइड करवाई है ताकि ये अपनी जो यूनिटी है आप बोल सको अपनी सोवरेनिटी को इन सबको मेंटेन करके रख सकें। अभी न्यूज ये आई है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इस ग्रुप और इसके जो भी अलायंस है सपोर्टर है ना उनको अभी अनलॉफुल एसोसिएशन है वो डिक्लेयर कर दिया है, किस राइट के तहत, एक्ट के तहत, सॉरी एक्ट का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस एक्ट के तहत होम मिनिस्ट्री ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और इसके जो एसोसिएट या सपोर्टर ग्रुप है उनको अनलॉफुल एसोसिएट है वो डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारे देश के लिए खतरा है और ये कहीं ना कहीं मतलब देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान है वो पहुंचा रहे हैं। तो ये है कंटेक्स्ट यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि बोडोलैंड है क्या, कहाँ इसकी मांगे चलती है और क्या इनका इश्यूज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है संघाई फेस्टिवल के बारे में। देखो संघाई फेस्टिवल के नाम आते ही आप ध्यान रखना संघाई क्या है, संघाई एक हिरण की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है, केवल और केवल मणिपुर में पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है लोकतक झील है, लोकतक झील में नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, उस केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में ये संघाई हिरण है वो पाया जाता है।
ध्यान रखना इंडेमिक है, मतलब केवल और केवल मणिपुर के इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है और कहीं भी ये प्रजाति नहीं पाई जाती। तो संगाई फेस्टिवल है वो मणिपुर का एक फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट। इस फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इस फेस्टिवल को मनाने का रीजन ये है कि मणिपुर का जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बूस्ट किया जाए। और देखो मणिपुर का टूरिज्म सेक्टर है वो वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन है इसके तौर पे मणिपुर को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को अंजाम आयोजित है वो किया जाता है। संगाई वो एक एनुअल कल्चर फेस्टिवल है, मतलब हर साल इस कल्चर फेस्टिवल को मनाया जाता है। किसके द्वारा, मणिपुर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हर साल 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में इसको आयोजित है वो करता है इस फेस्टिवल को। तो यानी अभी ये फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा है, इसमें इस चीज पे फोकस किया जाता है कि मणिपुर का जो टूरिज्म है, मणिपुर का कल्चर है, मणिपुर के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हैंडलूम्स हैं, वहाँ की जो स्वदेश मतलब जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स आइटम है, वहाँ की जो भी कैगरी है, खान खाने पीने की जो व्यंजन वगैरह है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, उनको ऑल ओवर इस समय वर्ल्ड के बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए ताकि उसको वहाँ पे टूरिज्म के एरिया पे एक डेस्टिनेशन के तौर पे अट्रैक्ट है वो किया जा सके। तो ये था संगाई फेस्टिवल के बारे में। अब हम साथ ही देख लेते हैं संगाई डियर के बारे में। देखो संगाई डियर ना वो क्या है, इंडेमिक है और इंडेंजर्ड स्पेसीज है जिसके ब्राउन कलर के एंटल्स यानी कि सींग है वो पाए जाते हैं और केवल केवल इंडिया के मणिपुर में ही है पाया जाता है। IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। पाया कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में एक लोकतक लेक है और लोकतक लेक में क्या है, देखो ये मान लो लेक है, लोकतक लेक में क्या है, जगह जगह फुमदी तैर रही है, ऐसे छोटे छोटे मान लो कि टापू से है जो कि पानी के ऊपर तैर रहते हैं। तो उसमें एक बड़ी सी फुमदी है जिसका नाम है यहाँ पे केबू लमजाओ नेशनल पार्क, मतलब उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया उस फुमदी को। इतनी बड़ी वो फुमदी है, लगभग 40 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वो ये कवर है वो करती है। और ये जो फुमदी है इसका नाम क्या है, केबू लमजाओ नेशनल पार्क, और यहीं पे ये संगाई डियर है वो मेनली पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना पाया कहाँ पे जाता है, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। न्यूज ये है कि अभी जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने हमारे देश में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है इसकी उद्घाटन किया है, कहाँ पे, हैदराबाद में मौला अली में। तो ये ध्यान रखना मौला अली में फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। देखो इस इंस्टीट्यूट का काम ही है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा किसको, फाइनेंस और जो अकाउंट ऑफिसर्स है ना रेलवे के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी कि फाइनेंस और अकाउंट संबंधी जितने भी प्रोफेसर हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए इस इंस्टीट्यूट का काम है, निर्माण है वो किया गया है। कौन सी बॉडी इसको बिल्ड करेगी, उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। देखो रेल विकास निगम लिमिटेड है ना ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, ध्यान रखना मिनी रत्ना कंपनी का उसको ट्रस्ट दिया गया है और ये आती है वैसे रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी रेलवे के रेलवे मिनिस्ट्री में आती है, मिनी रत्ना इसको स्टेटस दिया गया है। और इसका काम क्या होगा, इंडियन जो रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है इसका निर्माण करेगी जो कि हमारे देश में फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर्स हैं रेलवे उनको ट्रेनिंग देने का काम है वो करेगी। और ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी है ना इस कंपनी की खासियत क्या है कि लगभग 90% जो इलेक्ट्रिसिटी के नीडेड है वो तो सोलर पावर से है वो मतलब एक्सेस करेगी और बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इन पे फोकस है वो किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि एक रेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी इंडिया में, कहाँ पे थी वो बनाने की बात थी गुजरात में, वो जो रेल यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी वो भी इसी रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब वही इसे बनाने का काम है वो कर रही है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि रेलवे मिनिस्ट्री है जो सॉरी रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाई है, गुजरात में बनाई जा रही है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्राई की रिपोर्ट के बारे में जाना कि हमारे देश में जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं उनका क्या हालात है, इसमें डाटा यूज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2016-17 का। इसके बाद हमने जाना कि क्राई है वो एक NGO है इंडिया का जो कि 1979 में बनाया गया था। इसी के साथ हमने इंडिया का जो नेशनल मिल्क डे है वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी पे उसको हमने डिस्कस किया। और हमने फिर कोलबेड मीथेन के बारे में जाना कि कोलबेड मीथेन क्या है, क्या क्या इसके यूज है। इसी के साथ हमने रोहतांग टनल के बारे में जाना कहाँ इसको बनाया गया है। फिर हमने आसाम की जो रूफ टर्टल है इसके बारे में डिस्कस किया कि आसाम रूफ टर्टल है वो IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। पाया कहाँ पे जाता है, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के जो ड्रेनेज वाले हिस्से हैं वो थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी हिस्सा है
उसमें मेनली पाए जाते हैं। इसी के साथ हमने बोडोलैंड डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस किया कि बोडोलैंड डिस्प्यूट है क्या। फिर हमने संगाई फेस्टिवल और जो संगाई डियर है इसके बारे में डिस्कस किया। केबुलमजो नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस ने वो की। लास्ट में हमने इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।